दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ले रहे हैं एक स्मार्टफोन का रिव्यूज। आप सभी जानते होंगे हमारे चैनल पर भविष्य में आने वाले मोबाइल्स के रिव्यूज डेली अपलोड कराए जाते हैं शाम के टाइम। अगर आप हमारे चैनल को डेली विजिट करते होंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर नए हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब दोस्तों, हम जिस स्मार्टफोन के बारे में आपको बताने वाले हैं या फिर उस स्मार्टफोन के बारे में आपको बताने वाले हैं जो भविष्य में लॉन्च होगा, फिलहाल वो स्मार्टफोन मार्केट में आया नहीं है, तो उसकी सभी संभावनाएं केवल एक न्यूज के ब्याप पर या फिर एक एक्सपेक्टेड तौर पर हम आपको बता रहे हैं। जब ये स्मार्टफोन मार्केट के अंदर आ जाएगा तब इसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। ये सभी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के जरिए हम रिसर्च करके निकाल कर आपके लिए लाते हैं। तो अगर आपको वो सभी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज की स्मार्टफोन की। आज हम जिस स्मार्टफोन को आपके लिए ले रहे हैं, हुआई का मेटी 30 RS है। इससे पहले दोस्तों, मैं हुआई का मेटी 30 X आपके लिए ले आया हूँ, हुआई का मेटी 30 Pro आपके लिए ले आया हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए ले आए हैं हुआई का मेटी 30 RS, यानी मेटी 30 RS, जो कि हुआई का है, पर्सनल हुआई कंपनी ने इसको लॉन्च करने वाली है भविष्य में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब बात करी जाए दोस्तों इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। आप सभी जानते होंगे मैं किसी भी वीडियो को बनाता हूं उसमें सबसे पहले मैं डिस्प्ले को एक फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूं। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि डिस्प्ले किसी भी स्मार्टफोन का हेम एंड एक मेन पार्ट होता है, और डिस्प्ले से ही मोबाइल की एक लुकिंग आती है, एक अट्रैक्टिव फीलिंग आती है। अगर मोबाइल की डिस्प्ले काफ़ी हद तक छोटी हो या फिर उसकी पिक्सल डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा छोटी हो तो वो मोबाइल बहुत बेकार होता है, एक यूजफुल या यूजलेस स्मार्टफोन होता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि मोबाइल की डिस्प्ले में अगर पिक्सल डेंसिटी कम हो तो मोबाइल में बढ़िया आपको समझ में नहीं आएगा, और बढ़िया समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे यूज करेंगे। इसलिए आज जो स्मार्टफोन मैं आपके लिए ले आया हूँ इसकी पिक्सल डेंसिटी की बात करेंगे, इसी के साथ इसके फुल इन्फॉर्मेशन और फुल फीचर्स की हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। बात करी जाए सबसे पहले मोबाइल की डिस्प्ले की, इसमें आपको जो डिस्प्ले मिल रही है वो 6.53 इंच की डिस्प्ले मिल रही है, यानी 6.53 इंच यानी 6.53 इंच की आपको इसके अंदर डिस्प्ले मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों, आपको इसके अंदर 403 ppi पर बेस्ड पिक्सल डेंसिटी मिल रही है, 409 ppi पर 409 ppi पर बेस्ड इसकी पिक्सल डेंसिटी मिल रही है, जो काफी हद तक एक मोबाइल के लिए बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं इस मोबाइल की हम कैमरा की। आप सभी जानते होंगे हर एक मोबाइल में डुअल कैमरा सपोर्ट्स आपको मिलते हैं, एक बैक कैमरा मेन कैमरा या फिर एक रिवर रियर कैमरा होता है, एक फ्रंट कैमरा होता है जिसे आप सभी सेल्फीज कैमरा कहते हैं, सेल्फीज लेने में उसका बहुत यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल के बैक कैमरा की, पीछे वाले कैमरा की। बैक कैमरा की बात करी जाए दोस्तों तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट्स मिलता है, यानी तीन कैमरा बैक एंड में आपको मिलते हैं, जिनमें आपको जो जो कैमरा बैक में मिलेंगे दोस्तों वो रहेंगे 40+40+8, यानी 40 मेगापिक्सल+40 मेगापिक्सल+8 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल इसी के साथ एक और 40 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का, यानी ट्रिपल कैमरा सपोर्ट आपको इसके अंदर मिलता है, जो काफी हद तक बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। अब दोस्तों बात करी जाए मोबाइल के सेल्फी कैमरा की, सेल्फीज लेने के अगर आप शौकीन हो तो सेल्फी कैमरा की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको 32 MP का कैमरा मिलता है, यानी 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है जिसके जरिए आप काफी हद तक बढ़िया सेल्फीज ले पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करी जाए इस मोबाइल की नेटवर्क की। दोस्तों ये मोबाइल 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है, यानी भविष्य में जब 5G लॉन्च होगा तो ये मोबाइल आपके लिए बहुत यूजफुल एंड बहुत बेनिफिटमंद हो सकता है। अब बात करते हैं इस मोबाइल के अदर फीचर्स की, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले बैटरी की। बैटरी की बात करी जाए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे हर एक मोबाइल के लिए बैटरी एक बहुत यूजफुल एंड बेनिफिटमंद प्रोडक्ट होता है। अगर मोबाइल की बैटरी लॉन्ग टाइम तक चल नहीं पाए, लॉन्ग टाइम तक यूजेबल नहीं हो तो वो मोबाइल की बैटरी किस काम की? तो सबसे पहले हम मोबाइल की बैटरी की बात करते हैं, और बैटरी के बाद ही हम इसके अदर अदर फीचर्स की बात करेंगे। तो दोस्तों बैटरी इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिल रही है,
जो काफी हद तक बहुत बढ़िया है। इसी के साथ दोस्तों बात करी जाए इस मोबाइल की बैटरी बैकअप के अलावा अदर फीचर्स की, जिनमें हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस में। अगर मोबाइल की परफॉर्मेंस बहुत ही स्लो हो, मोबाइल बार बार हैंग होता हो, तो वो मोबाइल किस काम का। इसीलिए दोस्तों मोबाइल की परफॉर्मेंस मोबाइल के लिए बहुत यूजफुल होती है। दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए इस मोबाइल की परफॉर्मेंस की। आप सभी जानते होंगे परफॉर्मेंस में आप सभी दो चीज को बहुत मेन मानते हैं, एक तो प्रोसेसर होता है, दूसरी होती है रैम एंड इंटरनल स्टोरेज। रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को पहले परफॉर्मेंस देता हूं मैं। तो सबसे पहले हम रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की बात करी जाए तो इस मोबाइल के अंदर आपको जो रैम एंड इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है दोस्तों, वो 12 GB की रैम मिल रही है, यानी 12 GB की रैम मिल रही है, जो काफी हद तक बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं इसमें आपको जो रोम मिल रही है या फिर इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, तो इस मोबाइल के अंदर आपको दोस्तों 512 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जो काफी हद तक बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं इस मोबाइल में आप एसडी कार्ड लगा सकते हैं या फिर नहीं। अगर आप एसडी कार्ड लगाना चाहते हैं तो जी हाँ, आप इस मोबाइल के अंदर एसडी कार्ड लगा सकते हैं अप टू 256 GB, यानी ज्यादा से ज्यादा 256 GB तक का इसके अंदर एसडी कार्ड लगा सकते हैं, जो काफी हद तक बहुत बढ़िया है। वैसे भी इसके अंदर 512 GB की आपको अंदर इंटरनल स्टोरेज मिलता है, तो एसडी कार्ड लगाने की कोई जरूरत बनती नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि एसडी कार्ड लगाना जरूरी है तो आप 256 GB तक का एसडी कार्ड लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस मोबाइल के हम प्रोसेसर की। प्रोसेसर की बात करी जाए दोस्तों तो इस मोबाइल में आपको ओक्टा कोर का प्रोसेसर मिल रहा है, ओक्टा कोर का 2.86 GHz पर बेस्ड है। इसी के साथ दोस्तों इसकी स्पीड को बूस्ट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए इसमें डुअल कोर का प्रोसेसर लगाया गया है। डुअल कोर का दोस्तों इसके अंदर 2.36 GHz का एक प्रोसेसर लगाया गया है। इसी के साथ डुअल कोर का 1.85 GHz का एक और प्रोसेसर लगाया गया है, यानी डुअल कोर के आपको दो दो प्रोसेसर और लगाए गए हैं, जो काफी हद तक बहुत ज्यादा इसकी स्पीड को बूस्ट कर देते हैं, यानी ये मोबाइल परफॉर्मेंस में काफी हद तक बहुत बढ़िया है। अगर बात करते हैं इस मोबाइल के हम चिपसेट की, चिपसेट के हिसाब से मोबाइल एक वेरिएंट में आता है, मोबाइल ज्यादा यूजफुल होता है। चिपसेट की बात करी जाए दोस्तों इस मोबाइल के चिपसेट की, तो इसके अंदर आपको जो चिपसेट मिल रहा है दोस्तों वो हाई सिलिकॉन किरण का मिल रहा है, 990 हाई सिलिकॉन 9905G मिल रहा है, जो काफी हद तक बहुत बढ़िया है, लगभग बहुत बढ़िया है यूजफुल के लिए। और ये मोबाइल 5G को सपोर्ट करता है, तो बेशक बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं इस मोबाइल के हम GPU ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स की बात करी जाए दोस्तों तो इसके अंदर एंड्रिनो का तो नहीं लगाया गया है, इसके अंदर माली का लगाया गया है। माली G76MP16 पर बेस्ड है, यानी माली G76MP16 पर बेस्ड है, जो काफी हद तक बहुत बढ़िया है। इसके अलावा बात करते हैं इस मोबाइल के अदर फीचर्स की। अब हम सभी फीचर्स की बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं इस मोबाइल के प्राइस की। प्राइस की बात करी जाए दोस्तों तो इस मोबाइल की जो प्राइस एक एक्सपेक्टेड प्राइस है, फिलहाल ये मोबाइल मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, और जब तक ये मोबाइल मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल प्राइस बताना बहुत मुश्किल होता है। केवल एक्सपेक्टेड के बिहाफ पर, न्यूज के बिहाफ पर हमने रिसर्च में पाया कि इसकी जो प्राइस रखी गई है न्यूज पर या बाहर में, वो 1,64,290 रुपये रखी गई है, यानी 1,64,290 रुपये रखी गई है, जो कि लगभग दिसंबर 2019 या फिर अपकमिंग जनवरी-फरवरी यानी 2020 तक मार्केट में आने की इसकी संभावना है। फिलहाल जब ये मार्केट में स्मार्टफोन आएगा तब इसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको मिलेगी, एक्चुअल प्राइस आपको मिलेगी, तो ये तो भविष्य जब बताएगा कि जब ये मोबाइल मार्केट में लॉन्च होगा। अब बात करें जाए हमारे ओपिनियन क्या रहते हैं कि ये मोबाइल आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। अगर दोस्तों ये मोबाइल, मेरे हिसाब से मैं बताता हूं, ये मोबाइल अगर आप परफॉर्मेंस के बिहाव पर ले रहे हैं तो मोबाइल काफी हद तक बहुत बढ़िया है। अगर मोबाइल कैमरा के बिहाव पर ले रहे हैं तो 40-40 MP के डुअल कैमरा पाए जाते हैं बैकएंड में, और प्लस 8 MP का एक और कैमरा पाया जाता है, जो काफी हद तक मोबाइल बहुत बढ़िया है कैमरा बिहाव पर। लेकिन एक एवरेज से थोड़ा सा बढ़िया है इसकी बैटरी में, और 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है, तो और भी बहुत बढ़िया है। लेकिन इसकी प्राइस लगभग 1,64,000, जो बहुत ज्यादा रखी गई है। अगर इसकी प्राइस 1,00,000 से भी नीचे होती तो काफी हद तक बढ़िया होता। फिलहाल अगर आप भविष्य के लिए देखना चाहते हैं तो मेरी एक ही सलाह आपसे रहेगी, अगर आप 5G स्मार्टफोन आज लेने की सोच रहे हैं तो अभी तक तो 5G का कोई जमाना नहीं आया है, क्योंकि इंडिया में 5G आने में लगभग 2021 तक आने की संभावना है या फिर एंड 2020 तक आने की संभावना है। तो 5G पर अभी आप डिपेंड ना हो तो बहुत बेहतर होगा। 4G मोबाइल ले लें और आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस 4G मोबाइल में मिल जाती है, 5G में अभी ना जाएं।
इसी के साथ दोस्तों, अगर आप मोबाइल लेते हैं ये, तो ये मोबाइल लगभग 20-30-40 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार रुपये के रेट में अगर ये मोबाइल आता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन ये मोबाइल 40-50 हज़ार से बहुत ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा मुझे बढ़िया नहीं लगा। हाँ एक बात मैं बताता हूँ, परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसकी रेट ही मेरे को लगती है किसकी GB के ऊपर, यानी 12 GB रैम के ऊपर और इंटरनल स्टोरेज के ऊपर रखी गई है, तो ये इंटरनल स्टोरेज और रैम के हिसाब से मोबाइल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन फिलहाल ये बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप एप्पल भी लेना चाहते हैं तो अभी भविष्य में आईफोन 12 प्रो मैक्स लॉन्च हो रहा है, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी चॉइस ये रहेगी आप कुछ समय का वेट करें। तो मैं आपके लिए नए नए स्मार्टफोन्स की रिसर्च कर रहा हूं, ताकि आपके लिए बहुत यूजफुल एंड बेनिफिटमंद नया मोबाइल्स मैं आपके लिए ला सकूं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ किसी भी प्रकार की क्वेरीज के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। अगर आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।